दोस्तों, जिस तरह एक गुलाब का फूल अपने आप ही अपने सुगंध से आसपास के वातावरण को महका देता है, उसी तरह एक वीर्यवान पुरुष जहां भी जाता है अपने पावरफुल एनर्जी, भरा भरा शरीर और चेहरे के सुंदर आकर्षण से वहां का माहौल ही बदल कर रख देता है। ऐसा इंसान लोगों का ध्यान अपनी तरफ बहुत ही आसानी से आकर्षित कर लेता है। अब ज्यादातर लोग उस वीर्यवान पुरुष की तरह बनना तो चाहते हैं, लेकिन वह अपनी बुरी आदत को भी नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों, आकर्षक चेहरा और बलवान शरीर पाने के लिए अभी तक आपने काफी कुछ किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि ओजस्वी चेहरा और मजबूत शारीरिक बल के पीछे एक ऐसी विद्या है जिसे प्राणायाम कहते हैं, जो न सिर्फ आपको आकर्षक बनाएगा बल्कि आपके वीर्यनाश की भरपाई भी तेजी से करेगा और आपको एक नए व्यक्तित्व में भी बदल देगा। और दोस्तों, इसका पूरा फायदा भी आपको तब ही मिलेगा जब तक कि आप यह पूर्ण वीडियोज देखना और हस्त मैथुन करना नहीं छोड़ दोगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो में बताए गए प्राणायाम को आज से ही करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ कुछ ही दिनों में चमत्कारी तरीके से बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में ही अगर आप अपने अंदर एक अलग और बेहतर परिणाम देखना चाहते हैं, बल, बुद्धि और ताकत पहले से कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं 5 ऐसे बलशाली प्राणायाम और एक ही ऐसी पावरफुल फूड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसे करने से आपकी वीर्यनाश की भरपाई भी जल्दी होगी और आप शारीरिक और मानसिक तौर से भी जल्दी से मजबूत भी बन जाओगे। देखो दोस्तों, प्राणायाम हमारे भारत के योद्धा किया करते थे, इसी वजह से वह इतना मजबूत बलवान और तेजवान बने रहते थे। ये ऐसे प्राचीन प्राणायाम है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी, प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी के दिनचर्या का हिस्सा रह चुका है। इसे करने के लिए बस शर्त यह है कि इसे आपको सुबह की ताजी हवा में, ब्रह्म मुहूर्त में, खाली पेट इसे करना है। और ज्यादातर लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम यही है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और एक्सरसाइज करना। खैर, जिन्हें भी अपने आप को ताकतवर, बुद्धिमान और तेजवान बनाना होगा वह इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, और अगर आपके लिए सुबह में करना इसे पॉसिबल नहीं है तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में इसका आपको जितना फायदा मिलेगा वह गजब का होगा, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज का पूरा फायदा भी आपको तभी मिलता है जब आप एक्सरसाइज को सुबह में करते हैं और अपने बुरी आदतों पर अपनी जीत हासिल करते हो, तभी आप अपनी जिंदगी में शक्तिशाली बन पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वह अमेजिंग फूड के बारे में। दोस्तों, आज के बाद दूध से बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, जैसे कि दही, लस्सी, छाछ, घी और बाजार में मिलने वाले दूध से बने प्रोडक्ट खाना शुरू कर दो। फिर देखना आपका वीर्य अपने आप ही कैसे गाढ़ा बनता जाएगा और आपका शरीर हट्टा कट्टा बन जाएगा। तो अभी से दूध या फिर दूध से बनी चीजों को नकारना मत। अब बात करते हैं प्राणायाम की, जिसमें की नंबर 1 पर है बाह्य यानी बाहरी प्राणायाम। सबसे पहले इस प्राणायाम को करने का सबसे बड़ा फायदा जान लो, पौरुष ग्रंथि यानी कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। इस प्राणायाम के रोजाना प्रैक्टिस करने से पौरुष ग्रंथि की समस्या दूर हो जाती है। मनुष्य के शरीर में पौरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि ही एकमात्र ऐसा अंग होता है जिसे पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पुरुष की परम श्रेष्ठ धातु शुक्र या वीर्य पौरुष ग्रंथि में ही बनती है। बाह्य प्राणायाम को अंग्रेजी में एक्सटर्नल रिटेंशन भी कहा जाता है, जैसे कि जब व्यक्ति कपाल भाति करता है तब उसकी मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है और उस जागृत हुई अमूल्य शक्ति का ऊर्ध्वारोहण यानी ऊर्ध्व प्लस आरोहण करने के लिए बाह्य प्राणायाम किया जाता है। इसका अभ्यास करते समय सांस को बाहर फेंकते हैं और सांस को बाहर निकालने के बाद हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसे रोक देना है। ऐसा करते समय हमें मूलद्वार को ऊपर की ओर खींचना है। जब तक मूल इंद्रियों को खींचेंगे तब तक सांस बाहर ही रखना है, फिर जब घबराहट होने लगे तो सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर लेना है। इसे करने के लिए सबसे पहले मध्यपट को नीचे झुकाए और फेफड़ों को फुलाने की कोशिश करें। अब तेजी से अपना श्वास छोड़ें, ऐसा करते समय अपने पेट पर भी थोड़ा जोर दे। अब धीरे धीरे अपनी छाती को थोड़ी से लगाने की कोशिश करें और अपने पेट को हल्के हाथों से दबाकर सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करते रहे।
इसी अवस्था में कुछ देर तक रुकें। अब धीरे धीरे अपने पेट और मध्यपट को छोड़े और उन्हें हल्का महसूस होने दें। अब इसी प्रक्रिया को कम से कम 5 से 7 बार दोहराएं। अब बात करते हैं नंबर 2, अभ्यांतर प्राणायाम। अभ्यांतर प्राणायाम यानी में भीतर की ओर अधिक से अधिक देर तक सांस को रोक कर रखना होता है। इसको करते समय ओम का जाप करें। इस प्राणायाम का अभ्यास भी 6 बार करना है। नंबर 3, स्तंभव्रति प्राणायाम। इस प्राणायाम में आप लोगों को नॉर्मल सांस लेना है, जैसे हमेशा लेते हैं, चाहे वो अंदर की ओर हो या बाहर हो, उसे वहीं पर रोक लें। अंदर सांस तो अंदर और अगर बाहर सांस है तो बाहर की तरफ। इसमें अपनी सांसों को एक जगह कहीं पर ही रोकना है। जितनी देर आप सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर रोकने की कोशिश करें। इस प्राणायाम का अभ्यास आप रोजाना 4 बार करें। नंबर 4, बाह्य अभ्यांतर विक्षेपी प्राणायाम। इस प्राणायाम में जब भी आपका सांस छोड़ने का मन हो तब उसे निकलने ना देना, उल्टा बाहर से अंदर की ओर सांस भर लेना, और जब भी बाहर से अंदर सांस लेने का मन हो तब उल्टा अंदर से बाहर सांस छोड़ना और रोक देना। ऐसे एक दूसरे से विरुद्ध क्रिया की जाए तो मन और इंद्रियां भी नियंत्रित रहती है। दोस्तों, जितने भी अखंड ब्रह्मचारी हुए हैं वह इन 4 प्राणायाम के बारे में कहते ही है कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसकी आत्मा का ज्ञान लगातार बढ़ता ही जाता है। मन इंद्रियों के दोष मिटकर निर्मल हो जाते हैं, आपका आत्मबल बढ़ता है, बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है, जो किसी भी कठिन विषय को आसानी से समझने लगती है। तो दोस्तों, कौन कौन इसे आज से ही ट्राई करने वाला है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।